हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हल छठ, इसको हल षष्ठी और भी बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। हमारे यहाँ हल छठ बोलते हैं। तो ये व्रत बच्चे के लिए रखा जाता है, मतलब कि कई जगह अलग अलग तरीके से रहते हैं। हमारे यहाँ ये व्रत लड़कों के लिए रखा जाता है। तो ये मैंने भी आज ये व्रत रखा है अपने विदुर के लिए। और मॉर्निंग में उठ के मैंने नहा धो लिया था और पूजा की तैयारियां सब मैंने कर ली हैं। और थोड़ी देर से मैं भी रेडी होने जाऊंगी और फिर दोपहर तक में ही हम पूजा करते हैं इस व्रत की। और मतलब कि इसमें महुआ जो होता है वो चढ़ाया जाता है, फसई के चावल। आज के दिन ऐसी चीज़ें पूजा में चढ़ती हैं जो खुद से ही उगती है, मतलब जिसको ना तो बोया जाता है ना कुछ, ऐसी चीज़ें ही आज के दिन पूजा में यूज़ होती हैं और उन्हीं को खाया भी जाता है। तो मुझे जितना नॉलेज है इतना ही है। तो मुझे लगा कि ये ब्लॉग आपको ज़रूर मतलब कि बताना चाहिए ये इस व्रत के बारे में। तो बस मैं अब थोड़ी देर से ही रेडी होने वाली हूँ और पूजा की जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ बची हैं उसको भी करूँगी और थोड़ी देर में ही निकलूँगी पूजा के लिए। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी थी वो बचा हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ मिट्टी की जो छोटी छोटी मटकी होती है उसको चुकड़ी बोलते हैं, तो उसमें मैंने महुआ को उबाल के रखना होता है और दही उस पर डालते हैं। और दही भैंस का ही हमारे यहाँ यूज़ होता है आज के दिन। तो ये सब थोड़ा बहुत तैयारियाँ जो बची है मैं कर लूँ, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। करने के लिए नीचे जा रही हूँ अंडे के यहाँ। और ये देखिए मेरी पूजा की थाल सब कुछ रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आंटी के यहाँ जाके पूजा कर रही थी नीचे और ये विदुर मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा था, बार बार जो मोबाइल था उसको इधर उधर कर रहा था। तो ये यहाँ पे हमने ये जो हलछठ माता है इन्हीं की सबसे पहले पूजा करते हैं, उनको जो चढ़ाना होता है सारी चीज़ें, श्रृंगार, हल्दी, सुपारी जो भी है, और जो हम ये चुकड़ी, सतंजा जो भी सारी चीज़ें रहती हैं भगवान को पहले चढ़ाते हैं। और फिर हमने मतलब कि कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद हवन, और ये पूरी मतलब इसी तरह विधि विधान के अनुसार हमने पूरी पूजा की और बहुत ही अच्छा लगा। पर वीडियो मैं पूरा ज़्यादा नहीं बना पाई थी, जितना भी है मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुमारी भवानी शंकर गणपति को शरणाए हर सृष्टि की कथा कहो पुराण विधि कर। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार पर्वत विधि करने वाले कुमार की शर्त और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार।
तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं घर आके सो गई थी। बहुत थकान लग रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी इस समय, जैसे कि आपको पता नहीं है अभी। और बन गया है मेरा खाना व्रत वाला, तो मैं खाने जा रही हूँ। और खाते हैं हमारे यहाँ महुआ, दही और ये चावल है। इन्हीं चीज़ों को खा के व्रत को पूरा किया जाता है। और तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा जो फास्ट था हरछठ का, वो पूरा हो गया है। और मैंने जो खाना पीना खाना होता है वो भी सब खा लिया है। और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कई चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई अच्छे से। और किसी तरह मतलब व्रत पूरा हुआ है। मैं सही बताऊँ आपको, मेरी तबीयत इस समय भी थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है। डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और ब्लड टेस्ट भी मैंने कराया था, तो उस पर मुझे टाइफाइड निकला था। और हीमोग्लोबिन लेवल भी काफ़ी कम है अभी, तो बॉडी को रेस्ट ज़्यादा चाहिए। पर फास्ट रखना ज़रूरी था बच्चे के लिए, तो इसलिए मैंने रखा। तो ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बीच में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। क्या है? तो मेरा ये जो ब्लॉग है, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय बाय। बोलिए, वीडियो को लाइक करिएगा, बोलो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दिया, ठीक है? ठीक है। बाय 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 बाय, लव यू लव यू। मुंह से चाबी निकालिए।